الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ولله يغفر لمن يشاء الله غفور رحيم صدق الله العظيم अफ्तार करवा रही होती है ऑन रोड। मैंने बहुत से डिफरेंस साइट पे भी देखा है कि बगैर दस्तखान लग रहे होते हैं और मजमे का मजमा होता है और खवातीन लड़कियां अपने मलबूसात में अपने हिसाब से वो अफ्तार को एहतमाम कर रही होती हैं। तो खवातीन भी माशाल्लाह इस मैं पिछले साल भी देखा था, इस साल भी मैंने देखा कि काफी लोग इसमें चीजों में बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। फैमिलीज निकलती हैं, गाड़ी में बॉक्सेस रखे होते हैं, बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ पूरी पूरी फैमिली रोड पे रुक रुक कर गिफ्ट बॉक्सेस दे रहे होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस तरीके से वो किया जाता है बिल्कुल। और लेकिन मैं साथ साथ एक और बात कहना चाहूंगी आज की जो हमारी गेस्ट है उनके बारे में भी मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ फिर आप कंटिन्यू करिएगा। बीइंग अ फीमेल शी इज अ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी चीजें वो ऑर्गेनाइज करवाती रही हैं, पार्टिसिपेट करती रही हैं उसमें। और मेरे ख्याल से खवातीन के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है उनकी तरफ से जो आज आप सुनेंगे इस इंटरव्यू में उनकी और बाकी फर्दर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आमना करीम ने बिल्कुल सही फरमाया कि एक्टिविस्ट भी हैं ना सिर्फ बल्कि आप MBA HR भी हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी का हिस्सा भी हैं और इंटरनेशनली लोकली पाकिस्तान में जो अद्वियात का आना जाना किस तरीके से वो सारी चीजों को देखना, इनकी पूरी टीम मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। मिसबाह गुल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन भी दिया। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आई। आपने काफी सारी चीजें आपकी बता दी हैं और कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपने ये सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं, अब आप भी एक माशाल्लाह एज बीइंग खातून की हैसियत से बहुत से काम आप एज ए टीवी आर्टिस्ट, टीवी होस्ट की हैसियत से भी करती हैं, तो आप भी अपने, मैं चाह रहा हूँ दोनों के आपस में जो है ना मामलात। अच्छा, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर इंसान सोशल वर्क की तरफ आ रहा है तो वो शायद सियासत में आना चाहता है या कोई और एजेंडा है, मशहूर होना चाहता है इसलिए। लेकिन कुछ लोगों में शायद ये हकीकी जज्बा होता है कि वाकई वो कुछ करना चाहते हैं किसी गरीब के लिए, किसी भी इंसान के लिए। अब इसमें हमने कैटेगराइज कर दिया है, कुछ खवातीन होती हैं जो खवातीन की ही फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहती हैं, कुछ लोग होते हैं बच्चों के लिए करना चाहते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से माह रमजान ऐसा महीना है, चाहे आप कहीं से भी सोशल वर्क करते हो ना करते हो, इस माह में सबका जज्बा यही होता है कि इंसानियत की खिदमत करना। हालत रोजे में अगर आप हैं तो जितनी नेकी कमा सकते हैं उसे थोड़ी सी और कमा दी। खैर, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गई थी, जज्बात नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, मैंने गलत नहीं, क्योंकि जरूरी है ये, औरों के लिए बहुत जरूरी, यंग जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। जी मिसबा, क्या ख्याल है आपका? मैं ठीक कह रही हूँ ना, रमजान मुबारक में आपकी एक्टिविटीज क्या होती हैं? आप हैं तो सही सोशल एक्टिविस्ट, लेकिन आपका क्या चेंज आता है? आपने बहुत सारी बातें कहीं और बहुत अच्छी बातें कहीं कि रमज़ानुल मुबारक में ये होता है कि लोग, बहुत सारे लोग नहीं भी सोचते और बहुत सारे लोग सोचते भी हैं। कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि यार नहीं, रोज़ा है, घर में बैठ लो, आराम कर लो, सो जाओ, इबादत कर ली, ठीक है। लेकिन आपकी इबादत जब तक कंप्लीट नहीं होती, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि जब तक आपने ह्यूमैनिटी को सर्व नहीं किया, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, हुकूक अल्लाह भी बहुत ज़रूरी है और हुकूक इबाद भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो उसके बंदों को सर्व करते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। तो आपका अपना जो दिल है वो कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाइड रह जाता है और आप ये सोचने के यार आपने तो खा लिया, लेकिन आपको नहीं पता आपके साथ रहने वाला शख्स, आपका पड़ोसी, आपके इलाके मोहल्ले में रहने वाला, उसने खाया या नहीं खाया। बहुत सारे लोग जो काम से घर को जा रहे होते हैं और बेचारे रास्ते में ही जो है ना रोजा खुल जाता है और उनकी इतनी हैक्टिक रूटीन होती है, उन्हें पता नहीं चलता कि यार अब क्या करें, रोजा तो खुल गया। तो एक कोशिश बस ये होती है कि चाहे आप रोड पर खड़े हो या आप कहीं भी खड़े हो और आप सिर्फ लोगों को जब सर्व करते हैं ना, उनके चेहरे पे वो स्माइल, वो सुकून देखने वाला होता है। आपने बेशक रोजा प्रॉपरली नहीं इफ्तार किया हो, उस वक्त आपने सिर्फ पानी पी लिया हो, लेकिन जब आप दूसरों को देखते हैं ना और आप वो एक स्माइल और एक सुकून उनके चेहरे पे देखते हैं, तो आपको फील होता है कि यार नहीं, अब रोजा पूरा हो गया, अब कबूल हो गया। हकीकत है ये वक्त बड़ा, आपने ये बड़ी अच्छी बात की मिस बने, कि हम वो वाकई वो बड़ा कीमती होता है जब हम ऑफिस ऑफ करके जा रहे होते हैं और रस्ते में ऐसी चीज मिल जाए और वो आप रमजान में तो है ही इतनी रौनक और मोहब्बत भरा ये महीना और होता इसमें है। या बिल्कुल नहीं देखते कि आप गाड़ी में आ रहे हैं या बाइक पर आ रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं, बस वो अल्लाह के लिए हो रहा होता है। दे रहे हैं वो बॉक्स या वो शरबत का ग्लास, वो डिजर्विंग है कि नहीं है, वो कहीं दो ग्लास तो नहीं पीछे पी चुका है, वही आपको मसला नहीं है, हाँ अल्लाह का मामला है, आप अपना फर्ज पूरा करें, क्योंकि आप खुद से मतलब इस काबिल तभी हुए हैं जब अल्लाह ने चाहा है। जब तक अल्लाह ना चाहे ना, तो आप भी इस काम में नहीं आ सकते, आप नहीं दे सकते किसी को। बात कही जाती है कि हम क्यों कहते हैं किसी भी फकीर को अगर हम पैसे देते हैं तो हम ये क्यों कहते हैं ये डिजर्विंग है, ये नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। हम भी तो कितनी चीजों को डिजर्व नहीं करते, भी तो कितनी चीजें जो अल्लाह पाक हमें अनायत करता है, हमें अता करता है, उसको हम नहीं डिजर्व करते, लेकिन अल्लाह हमें दे रहा है। बाकी ये चीजें की हमें सोचनी चाहिए कि हम सवाल कर रहे होते हैं देना नहीं देना, लेकिन हम अब सॉलिड से हम जब अपनी शॉपिंग पे जाते हैं, दुनियादारी पे अगर बात करते हैं, तो वहां हम नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं, ठीक है। लेकिन देने की जहां बात आती है तो हम बहुत से लोगों से सवाल करते हैं क्या ये देना सही है, क्यों ब्रांडेड सूट लेने आप जाएं, आप कभी भी उससे नहीं बार्गेन करेंगे या आप कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे किससे? सब्जी वाले से करेंगे, जो शू बनाने वाला है, जो एक छोटा सा धूप में बैठा हुआ है सुबह से शाम तक, एक इस आस पर के वो घर खाली हाथ ना जाए, आप उससे जरूर बार्गेन करेंगे। ये बताओ कि मतलब तुम फार्मास्यूटिकल से क्या रमजान में क्या तब्दीली आती है मतलब वुमेन की हैसियत से इस माशरे में? चेंजेस तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि आपका जब साथ
बिल्कुल हाँ, उसमें चेंजेस बिल्कुल आते हैं, क्योंकि जब जेंट्स हमारा जो तबका है ना वो घर जाके यूजुअली आराम कर रहा होता है, और औरतों ने घर जाकर जो है ना इफ्तार की तैयारी करनी होती है. जो मैरिड फीमेल्स होती हैं वो बेचारी घर जाके फिर अपने बच्चों को भी देख रही थी अगर उनके बच्चे हैं, और अगर ससुराल में रह रही हैं तो उन्होंने ससुराल को भी देखना है. फिर हर किसी की एक अलग अलग चॉइस है कि यार इफ्तार में आज हमें ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, उसको ये चीज ये शरबत नहीं पसंद, उसको दूसरा पसंद है. तो बड़ा हेक्टिक हो जाता है कि ऑफिस भी आप मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद आप घर जाते हैं, फिर आप घर को भी टाइम दे रहे हैं, तो डबल ड्यूटी हो जाती है. तो ये इजीली मैनेज हो रहा है अब तक? कितने साल हो गए मैं तुम्हें मतलब जॉब भी करनी घर को भी देखना? मैं तकरीबन 8 साल से जॉब कर रही हूँ, सिर्फ फार्मास्यूटिकल में नहीं लेकिन इससे पहले भी की. तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकती हूँ वो 8 साल का है मेरा. के बिल्कुल, मैं जो है मैट्रिक किया और उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस थे व्हेन आई रियलाइज्ड के यार जॉब इज मैंडेटरी, सो आई स्टार्टेड माय कॉलेज और कॉलेज के साथ साथ मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी. फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी अलोंग विद टीचिंग चलता रहा, जहाँ मैंने कोचिंग में भी पढ़ाया, स्कूल्स में भी पढ़ाया, डबल शिफ्ट में भी पढ़ाया स्कूल में, जिसमें रमजान भी आए और सर्दी गर्मी हर चीज आई. तो समझें कि आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन और मैं जॉब लाइफ में हूँ. अच्छा, एक दौर याद करें जब हमारे टीचर्स हुआ करते थे, उनसे डरते थे, पर्सनालिटी भी ऐसी होती थी. फ्रेंडली टाइप के मैं देख रहा हूँ कि काफी चीजें हैं, लेकिन उसमें दो चीजें आती हैं. तो एक तो ये होता है फ्रेंडली अगर आपका उस्ताद है तो उसको, या आपका दोस्त अगर एज बीइंग मतलब फ्रेंड है तो वो फ्रेंड है, उसको जरूर नहीं कि उसको उस तरीके से फिर टैकल करो कि वो बिल्कुल. तो एक हर इंसान का एक रुतबा भी है, तो इस चीज को बड़ा खास हम खास तौर पे देखते हैं कि हम टिकटॉकर्स की अगर बात करें या यूट्यूबर्स की बात करें तो आपका सीनियर जो भी है वो सीनियर है, आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए, जैसे असातिज़ा की हम रिस्पेक्ट करें, जैसे माँ बाप की हम करते हैं, और हमें तो सब छोटे से बड़े की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो इसमें बहुत से उंस आ जाते हैं. ऐसा होता है कि आप सेम एज ग्रुप से हो, और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैं जब बच्चों की प्रोफाइल्स और बायोडाटा लिख रही होती थी तो मुझे बड़ा शौक लगता था कि यार ये बच्चा मतलब मेरी एज का ही है, क्या हो गया. लेकिन फिर पढ़ाने का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. टीचिंग इट्सेल्फ इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू सर्व ह्यूमैनिटी एज वेल. अगर टीचिंग बेस्ट वे है ह्यूमैनिटी को सर्व करने का भी. सवाल करना चाहिए कुछ क्वेश्चन? बहुत खूब जबरदस्त. अच्छा जी, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा हमारी बातों का. मैं ऑनलाइन के वाले से कुछ सवाल करना चाहूंगी, लेकिन वो मैं करूंगी एक खूबसूरत सी नाच सुनने के बाद. क्यों असर जरूरी है और एक नाच रमजान का महीना जनाब है तो हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूद ही हैं सैयद अशल हसन. कैसे हैं आप? ठीक है? एक मरतबा फिर अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं चाह रहा हूँ एक मरतबा फिर हो जाए खूबसूरत सी प्यारी सी नात रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है. जाती
मगर शामिल मदीना है।
माशाल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत प्यारी सी आवाज, बहुत खूबसूरत सी नात, और रमजान के इस पुरमसर मौके पर, और नात ना हो, हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल है। इवन मेरा तो ये होता है कि रमजान मुबारक में भी वैसे भी फ्राइडे के दिन भी एक अगर नात लगा के सुन ली तो दिन का आगाज ही इतना खूबसूरत अच्छा हो जाता है कि बस पढ़ने की कोशिश नहीं करती क्योंकि इतना अपनी आवाज पे भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन सुनने का शौक। बिल्कुल जी। अच्छा जी, मिसबा गुल हमारे साथ मौजूद है। मिसबा, ये बताइए कि ऑनलाइन का जमाना है और हर बंदा ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहा है, दुनिया तो कर चुकी है, हम शायद थोड़ा सा लेट है, मैं समझता हूँ, लेकिन हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो वक्त से पहले चल रहे हैं, और बहुत से लोग घर से ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने ये देखा कि पिछले साल, बल्कि अभी तक होम शेफ बहुत उरूज पर आई, जो कि हम देख रहे थे रिसर्च के मुताबिक, और दीगर डिपार्टमेंट्स भी ऊपर है। तो आप क्या समझते हो कि ऑनलाइन द फ्यूचर मतलब आपके लिए किस तरह है? क्या इस वक्त आप ऑनलाइन के साथ जुड़े हुए हो या जुड़ने वाले हो? मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत हद तक लाइक 60-70% हमारी हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, और आगे आने वाले दौर में भी जो सारी चीजें ना वो डिजिटाइज हो जाएंगी, कम्प्लीटली डिजिटाइज हो जाएंगी। और जैसा कि आपने कहा होम शेफ निकल कर आए हैं, तो इस कोविड में बहुत सारे ऐसे हीरोज जिनको कभी पता ही नहीं था कि वो किचन में भी जा सकते हैं, वो शेफ बनकर निकल कर आए हैं, और लोगों ने जो है ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दिया, कुकिंग से रिलेटेड काम स्टार्ट कर दिया, गिफ्ट पैकिंग से रिलेटेड काम स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर आपको लियोपर्ड TCS DHL इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपको जो है ना ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज भी मिल रही हैं, और वो जो राइडर हजरात के लिए भी चांदनी बन गई, क्योंकि खवातीन ने घरों से शुरुआत की, कपड़े वगैरह, दीगर टॉयज वगैरह मैं देख रहा था ऑनलाइन में खवातीन सेल कर रही है, और जो लोगों की दुकानें बंद थी उससे मैंने ये देखा कि वो हजरात जिनकी दुकानें बंद थी अपना सामान घर लेकर आए, और बहुत से फास्ट फूड वालों ने भी अपना सेटअप घर में लगा के आया। आप ये देखेंगे जो लोग घर लेकर आ गए सामान, उनकी वाइफ्स पहले काम नहीं करती थी, लेकिन अब वो ऑनलाइन आती है, लाइव आती है, और वो उन कपड़ों को, उन चीजों को जो है ना बाकायदा बर्तन, इवन बर्तन भी, सिर्फ कपड़े नहीं, लोग अपने अपने बर्तन भी घर लेकर आ गए जिनकी दुकानें थी, उन्होंने ऑनलाइन सेलिंग की। साथ साथ एक बात एड ऑन करना चाहूंगी, धोखे से बचें, और खास करके इस माह में प्लीज चीट करने की कोशिश ना करें, जो कि ऑनलाइन में आप हर एक पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपको रिलायबल चीज डिलीवर कर रहा है, या जो दिखाया जा रहा है पिक्चर में क्या वाकई वही सेल हो रहा है। नकालों से होशियार रहिए, और ऑनलाइन करने वाले तमाम हजरात, क्योंकि बेसिकली मैं समझता हूँ ना कि कारोबार है तो डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह, ठीक है ना, तो महीने, हर महीने बहुत खास होते हैं, रमजान का महीना और खास होता है, तो क्या ये देखें कि जितने लोग जॉबलेस हुए तो उनको राइडर की जॉब मिल गई इस हिसाब से, तो ये कितना अच्छा हुआ उन लोगों के लिए कि यार जहाँ जिनके पास कोई काम नहीं था करने के लिए, वो ये काम करने पे जो है आ गए। बस इतना मजा आ रहा है मिसबा के साथ बातें करते हुए कि वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा, लेकिन तार का भी टाइम हो जा रहा है, तो मैं साथ से बात को रैप अप करना चाहूंगी। एक मिनट से ज्यादा जाते क्वेश्चन करना चाहूंगी इस वक्त, वो ये है, बीइंग अ फीमेल, आपको क्या लगता है, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप या आप जिस प्रोफेशन से भी हैं, क्या परेशानियां आपको आती हैं, और खास करके रमजान में, जैसे आपने कहा कि किचन भी देखना होता है, मैं ये बात हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन बाहर जब आप अवतार बांट रही होती हैं, क्या आपको वही कंफर्ट लेवल मिलता है जो एक मेल को मिल रहा होता है, या आपको ऐसा लग रहा होता है कि लोग घूर रहे हैं, या बिला वजह आपके पास आके खड़े हो गए? मतलब मैंने दो तीन सवाल आपसे एक साथ कर लिए, और मैं चाहूंगी आप अपना थोड़ा सबका। बिल्कुल, देखिए फीमेल्स के लिए जैसे कि लोग कहते हैं ना कि बाहर नहीं निकले, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो थोड़ा आपके अपने ऊपर भी होता है, ठीक है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक चीज़ होती है, और बाकी दुनिया में हर तरह के लोग हैं, आप जिस फील्ड में भी जाएं, जो काम करने भी जाएं, और स्पेशली जब आप अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं ना, तो वहाँ फिर ये होता है कि सामने से कोई ना कोई नेगेटिविटी आती ही आती है, तो रुकावट जैसे आप कह सकते हैं, लेकिन आप उनको छोड़ते हुए अपने काम पर फोकस करें। लोग हैं बहुत सारे अच्छे भी हैं, जब आप कहते हैं ना कि कोई आपको घूर रहा है, तो वहां पर ही चार और आपके साथ खड़े होते हैं जो आपको टेक केयर कर रहे होते हैं, या जो उस काम में आपके साथ आगे होते हैं, तो लोगों को सोचते हुए कभी भी रुक जाना, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। जितना आप रुकेंगे ना, मुझे लगता है कि उतना लोग और आपके ऊपर हावी होंगे और आपको रोकेंगे। और कराची की तो स्पेशलिटी है कि जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है फीमेल्स को, और एक दूसरे की मदद की जाती है, चाहे आपका कोई रिश्ता हो नहीं हो, मैंने बहुत से दूसरे शहरों में ट्रैवल किया है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा कराची के लिए रहा, स्पेशली हमारे शहर के लिए,
लिए, उसकी तो बात ही और है। एक हकीकत है यहाँ पे मदद का जज्बा है लोगों में दूसरे शहरों के मुकाबले में ज्यादा, और खास करके इस मामले कहते हैं ना कराची में सबसे ज्यादा चैरिटी होती है, सबसे ज्यादा चैरिटी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ना सिर्फ बल्कि पिछले साल सिर्फ कराची में 30 लाख दस्तरखान लगाए गए, जिसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, यंग जनरेशन भी थी, स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चों ने भी इनिशिएटिव लिया, और इस बार तो काफी ज्यादा मैं देख रहा हूँ, फोकस बहुत ज्यादा है। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज ये कि रमजान का महीना है, अपने घर वालों का, लोगों का, सबका ख्याल रखें, अपनी खवातीन का भी ख्याल रखें यार, उनको थोड़ा सा हेल्प आउट कर दिया करें, किचन में कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जी, ट्रांसमिशन जारी है और सेंस ब्यूटी ट्रांसमिशन का सिलसिला जो कि हमें तावन किया ANI ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से, हमारे खुसूसी मेहमान जो आतिशी फरमा हुए। तो आमना जी, क्या पूछना चाह रही हैं आखिर में, चारों कुछ पूछ ही लें से एक चीज जी। सेंस ब्यूटी स्टेशन और ANI ग्रुप की जानिब से ट्रांसमिशन पेश की जा रही है। सेंस ब्यूटी स्टेशन जो कि आपको पता है एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हेयर स्किन यू जस्ट नेम इट और वो सर्विस यहां पे अवेलेबल है। बस मैं यही कल बात कर रही थी टीम से कि शायद इन लोगों ने अब स्किन ट्रीटमेंट तो सब शुरू कर दी, अब प्लास्टिक सर्जरी भी बहुत जल्दी मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगी, या कोई प्रॉपर सर्जिकल हॉस्पिटल भी स्टार्ट करना है हमें स्किन से रिलेटेड इंशाल्लाह सून। लेकिन फिलहाल जितनी सर्विसेज दी जा रही है वो आपको पता है कितनी अमेजिंग है, एंड आई एम श्योर आप आती भी रही है यहाँ पर, से पहले भी सर्विसेज दे भी रही है। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या पार्ट फील हो रहा है जो सैंस प्ले कर रहा है खवातीन की ग्रूमिंग के लिए? और साथ साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी ANI ग्रुप और सैंस ब्यूटी स्टेशन, ये दोनों कंपनीज अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। सैंस को मैं ज्यादा लेवरेज करना चाहूंगी इसलिए क्योंकि ये खवातीन के फेवरेट डिपार्टमेंट है, ब्यूटी स्किन हेयर फैशन हर चीज आपको एक फ्लोर पे एक जगह पे मिल रही है। और आज हम जो है इसी पे ही बात भी करेंगे स्किन से रिलेटेड। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बड़ा इंतजार होगा, वो थोड़े टॉपिक है। लेकिन मैं चाहूंगी इसके हवाले से थोड़ा सा सैंस के हवाले से भी बताएं आपका कैसे एक्सपीरियंस होता है जब आप विजिट करती हैं, और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आमना बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर सैंस में, मुझे यहाँ की सर्विसेज बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप इस वक्त मेरा मेकअप और हेयर डू आपके बिल्कुल सामने होगा, और मैंने पहले भी ये बात मेंशन की कि मैंने ये हेयर डू पहले नहीं करवाया, एंड आई यूज टू मेकअप लेकिन सीधे सीधे बाल लिए चले गए, हाँ बिल्कुल आयरन कर लिया जैसे हम लड़कियाँ यूजली कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आके ये हेयर डू लेकर ये मेकअप देकर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये एक अलग लुक है जो मैं कैरी कर सकती हूँ। बिल्कुल, जब आप अच्छे लग रहे होते हैं ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है, तो यही यहाँ पर जो है ना सेंस मुझे लगता है ब्यूटी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है आपको, कि जब आप खूबसूरत लगते हैं तो आप और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं कहीं पर। थैंक यू सो मच। हम लोग मिसबा को देते हैं जी, आप आई, आपका बहुत शुक्रिया मिसबा, कितने कीमती वक्त से आप तशरीफ फरमा हुई, और हम जाते जाते आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा तोहफा है सेंस ब्यूटी की जानिब से, मैं चाह रहा हूँ आप अपने हाथों से आप इनको दीजिए ताकि इनको हमारी याद दिलाता रहे कि इस ट्रांसमिशन में मरहबा, रमजान ट्रांसमिशन में आप तशरीफ फरमा हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। La 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 la
बहुत बहुत खुश आमदीद। दूसरा रमजान मुबारक है, अफ्तार का टाइम थोड़ी देर में हो जाएगा, आज का रोजा भी हम देख सकेंगे, एक मुकम्मल रोजा, फिर तरावी, फिर तीसरा रोजा, इसी तरीके से सिलसिला जारी और सारी रहेगा। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरा माह। हम कोशिश करेंगे ना तिलावत कुरान पाक, कोई अच्छी इंफॉर्मेशन, इस्लामिक डिस्कशन और बहुत सारी चीजें जो इस माह मुबारक से रिलेटेड हैं हम आप लोगों से डिस्कस करें, लेकिन दीन के साथ साथ हम दुनिया को भी लेकर चलेंगे। मेडिकल से रिलेटेड कोई बात हो, कोई स्किन से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है ये सैंस ब्यूटी स्टेशन का प्लेटफॉर्म है और ए एन आई ग्रुप का प्लेटफॉर्म है, तो हम दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलना चाहेंगे। आपके कोई सवाल आप हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपको कैसी लग रही है हमारी ट्रांसमिशन, क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है, वो भी आप हमें दे सकते हैं। आप हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ जो भी कमेंट है, जो सवाल है, जो शिकायतें हैं, वो भी आप उस कमेंट बॉक्स में हमें कह सकते हैं। बिल्कुल मैंने सीखा है कि भाई कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो हमारी आलमा साहिबा वकील हैं हमारे साथ मुंबई में, कोई नातों की रिक्वायरमेंट हो, भाई खुला नात पढ़नी है, बिल्कुल जी रिक्वेस्ट है, आप कह सकते हैं। तो आज हमारी जी बिल्कुल जी आज हमारी जो गेस्ट हैं हमारे साथ कल भी थी आज भी है माशाल्लाह डॉक्टर जुनैद साहिबा, आप आलमा की हैसियत रखती हैं, पीजी डॉक्टर भी हैं, एक बार तो डॉक्टर खुश आंदी तुम्हारी आज की चाहती कैसे गुजर रहे हैं रोजी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी और आपकी आज पहली मुलाकात है, लेकिन इससे पहले हम एक दफा मिल चुके हैं और आपको शायद याद होगा एक सवाल मैंने आपसे किया था जब ट्रांसमिशन के से भी पहले की बात है, और वो सवाल मेरे दिमाग में है। मैं चाहूंगी पहले उस सवाल को मैं यहाँ पे रिपीट करूँ, फिर आप उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें जो आंसर देना चाहें वो हमें बताएं प्लीज। मैंने इनसे ये सवाल किया था कि ख्वाबों का सिलसिला जो होता है वो क्या है बेसिकली, और ख्वाब वाकई क्या बशारत होते हैं, और क्या मतलब हम बहुत गुनाहगार इंसान हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे या इनको या किसी को भी बशारत हो जाए, और क्या वाकई आम इंसानों को बशारत होती है, और ख्वाब क्या है बेसिकली, उनका मकसद क्या होता है, या ये वाकई में जो माहिर नफ्सियात कहते हैं ये सब कॉन्शियस में कोई छुपी हुई बातें हैं जो ख्वाब की सूरत में आती हैं, या वाकई ख्वाब एक हकीकत रखते हैं, और उसकी मैं थोड़ी सी तफसीलात चाहूंगी डॉक्टर साहब प्लीज बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और कुछ चीज़ें हमारी सोसाइटी में ऐसी हैं कि लोग आज तक उनके बारे में उनके डिफरेंट मिथ्स बने हुए, उनके कुछ सब कॉन्शियस में उनके कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं। कई लोग बिल्कुल अहमियत नहीं देते ख्वाबों को, वो समझते हैं जैसे भी आपने बात की कि मेडिकल एक रीज़न है, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ इसलिए आ गया, ये भी मैदा खराब है, और कुछ लोग इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं ख्वाब को कि वो उस ख्वाब की वजह से अपनी पूरी उनकी रूटीन टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। बात ये कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अल्लाह सुभानहू ताला ने हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि अगर तुम्हें कोई भी तनाज़ा हो, कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी इशू है, कोई भी सवाल तुम्हारे ज़हन में है, फरुद्दू इलल्लाह व रसूल, कि उसको तुम लौटा दो अल्लाह और रसूल की तरफ, यानी वहां से आपका जो मेन सोर्स है नॉलेज का, जानने का, आगाही का, वो है कुरान पाक, और उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं। ख्वाबों के बारे में एक पॉइंट मेरा बहुत वाज़े है और अल्लाह सुभानहु ताला से दुआ है कि लोगों को भी क्लियर हो जाए, ख्वाब ठीक है रीज़न है उसका आने का, ठीक है अभी दिमाग के तीन पार्ट्स हैं, शऊर है, तहतुल शऊर है, ला शऊर है, कुछ चीज़ें बचपन में कहीं देखी होती हैं, कुछ आपस में बहुत, जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी तो रेस्ट कर रही होती है लेकिन हमारे ब्रेन को रेस्ट नहीं चाहिए होता, वो बहुत क्विकली दोबारा अपना काम शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं के एपिसोड्स को उठा के मिला कर एक पिक्चर बना देता है, मगर इट्स नॉट दैट सिंपल, कोई ना कोई हकीकत भी ख्वाबों में होती है। मैं छोटी सी आपको मिसाल देती हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, उनका ये स्पेशल एक अल्लाह सुभानहू ताला की तरफ से इनाम था कि वो ख्वाबों की ताबीर बयान करवाते थे। आप देखिए ना कि वो कैद खाने के साथियों को जिस तरह उन्होंने बताया, मेरे पास तो बाकी है टाइम कम है और मैं उस डिटेल में नहीं जाती हूँ, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि वो ख्वाबों की ताबीर बताएं। यहाँ से एक पॉइंट हमारे सामने ये आया कि हर शख्स हर बात को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, तो आप कभी भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि जो ताबीर इस शख्स ने मुझे बताई है आया यही होगी। बिल्कुल, और हर शख्स को अपना ख्वाब बताओ
आओ भी नहीं। इस बारे में भी मैं आपको तालीमा दे, अब पहले ही क्लियर हो जाए कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी उठे और एक किताब लिख दे कि ये ख्वाब आया, तो ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ उन्होंने लिखा है आपको ख्वाब नजर आया तो उसकी वही ताबीर है जो उन्होंने लिखी है। हाँ, अगर अल्लाह के हबीब ने हमें कुछ बताया है तो फिर हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं, बाकी लोगों की रिसर्च के ऊपर बात सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब से मुताल्लिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है। अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब 100% सच्चे होते हैं। इसकी मिसाल आप देखिए ज़िलहज को जब कुर्बानी पेश करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुतवाज़ ख्वाब आ रहे थे, तो अंबिया अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं, उसमें कुछ शक की बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे ख्वाबों के ऊपर। तो हमारे ख्वाबों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी जलता नहीं है, उसको कोई आपसे और इश्यूज नहीं है, वो आपसे नेगेटिव बात नहीं करता, तो वो आपको जब आप अच्छी बात बताए तो उसका भी आगे से काम है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने ख्वाब देखा है, अल्लाह आपको उसकी अच्छी ताबीर दे। ये टिप मैं दे रही हूँ और ये रिलीजियसली बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब कोई आपसे अपना ख्वाब शेयर करे तो उससे आप कोई फजूल बात मत करिए, उसको कहिए अल्लाह खैर फरमाएगा, इंशाल्लाह तुम्हारा ये ख्वाब बरकत का बाइस। मेरा जो सवाल है वो ये रखा कि हम लोग, जैसे कि मैं कहती हूँ कि कोई शख्स है जो सिर्फ दो वक्त की नमाज पढ़ता है, पांच वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, क्या ठीक है? इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो बात है कि अच्छा ख्वाब आप अपने दोस्त या मोहसिन या जो आपसे मोहब्बत करता है उससे शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात बुरा ख्वाब, जो ख्वाब आप देखकर उठते हैं तो पूरा दिन अनकंफर्टेबल, समटाइम्स ख्वाब भूल जाता है लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं होते, देयर इज समथिंग रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ है, कुछ मसला है, मूड अपसेट है, याद आ रहा है कि कुछ थी बात, उस सूरत में अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाईं जानिब यानी लेफ्ट साइड पे, जैसे आप फुटकार देते ना, अब ये प्रॉपर आपको स्पिट आउट नहीं करना मगर जस्ट जेस्चर, हां, और आप कहें आऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह सुभानहु तआला मुझे, क्योंकि ये शैतान की तरफ से होगा तो अल्लाह मुझे इसकी बुरी ताबीर से अपनी पनाह में रखे। और यही सीरत मुस्तफा है कि जब कोई आपको ख्वाब आकर बताए तो आप फरमाते हैं कि इसकी अच्छी ताबीर, अच्छी ताबीर। अब आपने जहाँ तक ये पूछा कि आम लोगों को जो ख्वाब आते हैं बिल्कुल हो सकते हैं सच्चे, इसके लिए किसी का नमाजी या दीनदार होना या बहुत मुत्तकी होना लाजिम नहीं है। हाँ, रूहानी दुनिया में जो तरक्की होती है, स्पिरिचुअली जो माई लाइफ है, वो होती है तकवा और जिक्र इलाही से। जिसका जितना दिल प्योरीफाई होता है, जितना उसका कल्ब साफ होता है, उसको उतनी ही उसकी जो फाइव सेंसेस है ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और एक सिक्स्थ सेंस जिसको हम यूजुअली कहते हैं कि साइंटिफिकली वो नहीं है, वो एक गट फीलिंग्स या जो एक पहले से चीजों की समझने की सलाहियत है वो है, वो अल्लाह सुबहानहु तआला अपने नेक बंदों को कष्ट की सूरत में अता फरमाते हैं, चीजें होने वाली होती है उनको फील होती है, लेकिन हम सब के साथ भी ऐसा होता है, तो ये इत्तफाकिया भी हो सकता है और अल्लाह की तरफ से भी हो सकता है। इसमें हमें ये करना चाहिए कि अगर हमें उसमें हो सकता है कोई मैसेज मिल रहा है, मुझे बहुत ख्वाब आते हैं, मैंने जो पूछा इसलिए है क्योंकि मैं बेतहाशा ख्वाब देखती हूँ और इतने तवील ख्वाब होते हैं, कभी सांप भी नजर आते हैं उसमें, कभी बहुत पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, तो मेरा एक बड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब, और वाकई वो चीजें हो जाती हैं कुछ अरसे के बाद वैसे ही, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी नालायक इंसान हूँ, मतलब अल्लाह ने मुझे कैसे ये बशारत दी है। फिर वही बात है कि ऐसा नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला जिसको मर्जी चाहे अता फरमा दे, और इसमें आपके लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह आपको अपने करीब कर दे कि देखिए अल्लाह सुभान व तआला ने आपको ये सलाहियत अता की। कभी आपको बुरा ख्वाब, मैं अपनी चाइल्डहुड की एग्जांपल देती हूँ, चाइल्डहुड में अक्सर, और मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स देखते होंगे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एग्जामिनेशन रूम में हूँ और वो क्वेश्चंस आ गए जो चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। तो मैं जब उठती थी ख्वाब से बेदार होकर तो सबसे पहले मैं वो चैप्टर पढ़ लेती थी, तो आप उसको, हाँ, यूं समझ लीजिए और आप उसका फायदा उठा लीजिए। इसी तरह से एक सिस्टर ने मुझे बताया कि वो ख्वाब देख रही है, उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका था, तो ख्वाब देख रही है बार बार कि उनकी वालदा ख्वाब में आ रही है और आके कह रही है मेरे कपड़े बहुत मैले हैं, बहुत पुराने हैं, तो उन्होंने फौरन अपनी वालदा के नाम पर कपड़े सदका कर दिए। तो आप उसको अच्छी चीज से रिलेट करें, जो आप अच्छा काम करेंगे आपको उसका सवाब भी मिलेगा, और किसी बुरी चीज को, गुमान को अपने ऊपर गालिब मत होने दें, ये हमारे दीन और हमारे
फितरत के खिलाफ है, इसीलिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया बुरी फाल मत लो, तो बुरी फाल को आप बुरे ख्वाब से ताबीर करेंगे। हम कहते हैं ना हॉरोस्कोप देखते हैं आज का मेरा हफ्ता कैसा रहेगा, तो हदीस मुबारक है कि जिसने उस हाल को देखकर जो कि उसने ख्वाब में देखा है या हॉरोस्कोप में देखा है जो भी है या फाल निकलवाई है उस पर यकीन कर लिया और किसी काम से रुक गया तो उसने शिर्क किया। अच्छी हालत में आना बुरी हालत में आना या कोई चीज का बतलाना ये कितनी हकीकत है इस बात पर जो दुनियावी पर्सन जो जिंदा है इतनी औलाद को कह रहा है। अच्छा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर सबने इसको इंशाल्लाह याद रखा तो पूरी लाइफ उनको अपने ख्वाब के मैटर्स जो है वो कंफ्यूज नहीं करेंगे। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे मैंने अभी बात की अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इतना आम नहीं किया, यानी अगर आप तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीसे मुबारक देखें अहले बैते अतहार की, अगर आप जो उनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तालीमात उन्होंने अख़्ज़ की हैं उनके बारे में देखें तो कहीं पे भी आपको बहुत डिटेल में ख्वाबों की ताबीर बताना कि भाई फलां साहबी आए तशरीफ लाए उन्होंने अल्लाह के हबीब से ख्वाब बयान किया अल्लाह के हबीब ने ये ताबीर, ये आपको बहुत ऑफन नज़र आएगा, वेरी रेयर नज़र आएंगी चीज़ें। हाँ ऐसा ज़रूर है कि अल्लाह के हबीब ने बशारतें दी आने वाले को, लेकिन जो ख्वाब की और अल्लाह के हबीब की जैसे हमने बात की ख्वाब तकरीबन सभी सच्चे हैं, अंबिया के सब ख्वाब सच्चे हैं, इसको इसलिए ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात है मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि ताकि आप अफराद और तफरीद का शिकार ना हो, यानी दो एक्सट्रीम पे ना चले जाए। बात यह है कि देखिए जैसे भी हमने बात की कि ख्वाब हम देखते हैं तो हमारा ख्वाब सच्चा भी हो सकता है झूठा भी हो सकता है, और अल्लाह के हबीब ने फरमाया झूठा शैतान की तरफ से। अब हम हो सकता है कि शैतान तो हमें अपसेट ही करना चाहता है ना, अब किसी का कोई प्यारा बिछड़ गया वो ऑलरेडी मिस कर रहा है उसको, और हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी हमारी टुवर्ड्स जब भी हमारे फ्रेंड्स हैं रह ही जाती है, उस वक्त एहसास होता है जब वो दुनिया से चला जाता है तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं और हम हमेशा अपने आप को ब्लेम करते हैं मैंने उसके साथ नहीं किया मैंने ये नहीं किया उसने ये कहा था वगैरह। ऐसे में अगर कोई ऐसा ख्वाब देख लेता है जबकि वो ऑलरेडी सेंसिटिव है तो उसके अंदर गिल्ट कॉन्शियस इतना बढ़ जाता है कि वो अपसेट हो जाता है, कई दफ़ा लोग इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं परेशान हो जाते हैं कि ये ख्वाब है कंटिन्यूसली जो मेरे रिश्तेदारों की तरफ से आ रहा है। मेरी वालदा के इंतकाल हुए हैं 5 साल, प्रॉब्लम क्या है कि मैं किसी को बताती हूँ कि वो मुझे काले लिबास में नजर आई तो कहा यह जाता है कि वो तुमसे खुश नहीं है उनके लिए कुछ दो कुछ पढ़ो, हालांकि ये मैं करती हूँ, लेकिन ये किसी औलाद को कहना कि तुम्हारी माँ चली गई है वो खुश नहीं है। आपने बिल्कुल तस्दीक कर दी, मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि लोग कैसे जज कर सकते हैं कि आपने काला लिबास बुरा लिबास नहीं है, समहाउ मुख्तलिफ कल्चर्स में उसको मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हजरत अस्वद का रंग भी काला है और काबा जो है तो इस हिसाब से अल्लाह के हबीब को तो काली कमली वाला कहा जाता है, वो काली चादर मुबारक थी जो आप हमेशा ईदैन पर या जुमे के खुतबे में पहना करते थे, तो ये आपकी सेलिब्रेशन की टाइमिंग से, तो इसलिए ये बातें एक कल्चर में काला रंग दुख की अलामत है एक कल्चर में खुशी की अलामत है, तो आप कैसे जज कर रहे हैं कि जन्नत में वो क्या होगा। बात ये है फिर वही आपसे कहा कि इसीलिए कहा गया कि अपने पाप पर किसको मत बताइए, क्यों इससे ये तो नहीं होगा कि उसके मुंह से निकल गई बात तो हो जाएगी लेकिन आप अपसेट जरूर हो जाएंगे, या आप उससे बदगुमान हो जाएंगे या आप उससे नाराज हो जाएंगे, आप उसे कट ऑफ कर देंगे कि इसने इतनी बुरी बात मुझे कही है, या दूसरी सूरत में आप उसकी बात पर यकीन कर लेंगे। तो दुनिया से जब हमारे प्यारे चले जाते हैं तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताती हैं कि वो इंतजार करते हैं कि हम उनकी तरफ से कार्य खैर करें कोई सदका करें खैरात करें। इससे रिलेटेड सही है कि बेशुमार हदीसे मुबारक हैं माशाल्लाह सब बहने भाई इसको जानते हैं, अल्लाह के हबीब ने फरमाया स्पेशली वालिदैन वो इंतजार करते हैं अपनी औलाद का, और हदीसे मुबारक में कि एक तिनके के बराबर भी अगर हम कोई सदका या खैरात करते हैं हमारे वालिदैन को कब्रों में पहाड़ की तरह दिखाई जाती है कि तुम्हारे घर से ये तोहफे हदिया आए हैं। तो ये अच्छी बात है, अगर आपको ख्वाब में क्लू मिल रहा है तो आप इसको यूं ही अज्यूम कीजिए कि मुझे सदका करना है, लेकिन ये सोच कर नहीं काला लिबास है तो मुसीबत में, ये आप नहीं जानते, ये मैं नहीं जानती, आखिर
محبت کے معاملات آسمان کے اوپر کیا ہو رہا ہے ہمارے نبی تو ہمیں بتا سکتے تھے, لیکن آج ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ فلاں آپ کا اس حال میں. ہاں اچھی بات کہنی چاہیے آپ کو, مجھے سب کو یہی کرنا چاہیے, یہ پریکٹس کر لیجئے کہ کسی کے انتقال کی بات سنیں کہ انشاءاللہ اچھے مقام میں ہوگا, کسی کے خواب سنیں انشاءاللہ, تم وہم مت کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ تو سکون میں ہوگا. وہ تو ٹرینڈ ہی جا چکا ہے نا, اب ہم صرف نیگیٹیوٹی دیکھتے ہیں. اگر کسی نے کوئی, آپ نے یہ ڈریس پہنا ہے, آپ کی چار چیزیں مجھے اچھی لگی, آپ کی رنگ اچھے لگے, آپ کا اسکارف اچھا لگا, آپ کا ڈریس اچھا لگا, لیکن آپ کے شوز مجھے نہیں اچھے لگے, تو میں نے پوائنٹ یہی کرنا ہے شوز چینج کرو. یہ جو ہے نا پیسیمسٹک اپروچ ہوتی ہے, زیادہ تر لوگوں کی نیگیٹو اپروچ ہوتی ہے, تو اس حساب سے اب سوسائٹی بڑھ گئی ہے. اور وہ بلکہ جب آپ کچھ زیادہ اچھا لگ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو زمین پر لانے کے لیے بتا دیتے ہیں کہ زیادہ مت اڑیے, فلاں آپ کی چیز بہت خراب ہے. تو اس لیے بیسٹ سولوشن یہ ہے کہ اپنے خوابوں کو ہر کسی سے بیان مت کریں, اور اللہ سے برے خواب کے آنے کی صورت میں پناہ طلب کریں. ضرور صدقہ خیرات کرنا چاہیے, یقیناً وہ انہیں پہنچایا جاتا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں, جو آپ سے
अच्छा मैं ये जो ख्वाब है और एक चीज़ है हकीकत, इन दोनों में फ़र्क क्या है ख्वाब में और हकीकत में? क्योंकि अभी आपने फरमाया कि ख्वाब में जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो दिखाई भी जाती हैं और कुछ निगेटिविटी भी होती है, तो हकीकत से ख्वाब का क्या ताल्लुक है असल में, हम इसको किस तरह समझें? और बाद बाद ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, जिस तरह हुआ है मैं आपको बताऊँ, मेरा अपना पर्सनली तजुर्बा है कि जो चीज़ हो रही है मिसाल के तौर पर यहाँ हम बैठे हैं, एक मिसाल में दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं पहले देख चुका हूँ, जो अब ये मेरे सामने ये चीज़ दोबारा हो रही है, अक्सर वो बेशतर ये लगता है कि ये चीज़ तो मैं पहले देख चुका हूँ, जो ये अब चीज़ अब इस तरह हो रही है अब इस तरह होगी, तो मैं बड़ा ये वो ऐसे ही कह रही है, मेरे साथ देखा हो चुका है कि मैं आई फील कि मैं इस जगह बैठा था, ये मैंने देखा था, ये आज रियलिटी में ये क्या है? ये देखिए ये टोटली साइंटिफिक है, वो तो दूसरे मजाक के लोग तो कहते हैं ना पहले सब कुछ हो चुका था, हमने आसमानों पर परफॉर्म कर लिया था। देर आर फ्यू पीपल वो स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करते हैं, मुसलमानों में वो लोग हैं, और उनका कहना ये है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस जमीन पर दुनिया में ये रिफ्लेक्शन है जो हमने बहुत पहले आसमानों पे किया था। और इसकी वो मिसाल यूं दे देते हैं कि जैसे सितारा जो हमें आसमान पर नजर आ रहा होता है उस वक्त वो वहाँ नहीं होता, वो बहुत अरसे पहले वहाँ पर था, उसकी रोशनी हम तक इतनी देर में पहुंची, और जिस वक्त वो हमें नजर आ रहा है कि वो देखो सितारा कितना रोशन है, वो वहाँ इनफैक्ट है ही नहीं। मगर कुरान पाक से और तालीमात नबी से हमें ऐसी किसी चीज का यकीनी जवाब नहीं मिला कि ये सब पहले हो चुका था। कुछ हाँ रूहें निकाली गई थी, अल्लाह को बिरबी को उनसे पूछा गया था, अल्लाह के हबीब पर ईमान लाने का इकरार लिया गया था, ये चीजें तो हुई थी, मगर ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ कर चुके थे। ये जैसे आप आपकी लाइव ट्रांसमिशन होती है, आप देखें जब हम टीवी पर लाइव प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो वो ऑन एयर फ्यू सेकंड्स के डिले से जा रहा होता है, तो ये मेंटली है कि आपको थोड़ा सा डिले होके वो मैसेज मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ये बात ये तो पहले भी हुई थी, यही जुमला इसने कहा था जवाब में मैंने ये कहा था, तो वो आपको टोटली ऐसा लगने लगता है कि ये बात पहले हो चुकी है, ये चीज पहले हो चुकी है, ये टोटली मेंटल जो है ना एक हमारा जो दिमाग का शरियान का सिस्टम है वो है। और कभी कभी कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती है कि वो आपको पहले से एक अवेयरनेस आ जाती है, तो आप उसका तरीका ये है कि समझ जाए, बदगुमान मत हो लेकिन समझ जाए और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर उसे मदद लेकर अपना काम आगे बढ़े। आखिरी सवाल जाते जाते मैं चाहूंगा, वक्त बहुत मुख्तसर है और बस छोटा सा सवाल और छोटा सा जवाब इसी ख्वाब से रिलेटेड, कि ख्वाब जो है किसी का कहना है कि जी अजानों के वक्त आपकी आंख खुल जाए तो सच्चा ख्वाब होता है, फजर के वक्त अजान होने पर आपकी आंख खुले सच्चा ख्वाब, और के दिन में रात में दिन में किसी सही शख्स को सुना के उसकी ताबीर हासिल की है। जी हाँ ये बिल्कुल ये हमारे कहा जाता है कि फजर के वक्त जो ख्वाब आता है वो सच्चा, उसको इससे भी रिलेट कर देते हैं कि फजर के वक्त फरिश्तों की आमद होती है, वो अल्लाह की तरफ से बशारतें लेकर आते हैं, इसीलिए फरमाया ना कि फजर के वक्त आप तिलावत कुरान पाक पढ़ा करें क्योंकि वो बाकायदा फरिश्तों की जमात सुनने के लिए आती है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं अगेन वही बात आ जाएगी कि वो हदीस मुबारक ज़हन में रखें कि फिर भी अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होगा, बुरा ख्वाब वसवसा डालने के लिए शैतान की तरफ से होगा ताकि वो हमें अपसेट कर दे। अच्छा ख्वाब है तो ये सोचिए इंशाल्लाह मेरा रब मुझे इसकी अच्छी ताबीर देगा, और अगर बुरा ख्वाब देखें तो फौरी तौर पर सदका कर दीजिए, मिनिमम भी कर सकते मैक्सिमम भी जितना कम से कम भी करना चाहिए। सदके में भी हम एक टॉपिक रखेंगे, और सदके के लिए जरूरी नहीं है कि हमने ख्वाब देखना है तो ही करना है, इसको तो जिंदगी का सूल बना लेंगे जब आपने घर से बाहर निकल रहे हैं सुबह, जो पहला जरूरतमंद अगर आपको नजर आता है उसके हाथ में चंद पैसे रख दीजिए, या आप जो भी आप सदका करने की आपकी हैसियत है उसके मुताबिक जरूर कीजिए, खास करके इस माह मुबारक में जैसे कि आपको पता है कि नेकियों का महीना है इबादतों का महीना है, तो जितनी इबादत करेंगे सरकार देंगे जितनी मखलूक की खिदमत करेंगे अल्लाह की इबादत के साथ साथ उतना ही आपको अजर सवाब है। और भी एक साल हमारी प्रैक्टिस है, जब ये एक महीना हमारी प्रैक्टिस है और उसी को हमने पूरा साल अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है अगर एक बेहतर मुसलमान और एक इंसान बनना चाहते हैं। बिल्कुल जी बहुत खुश होता है, बड़ी जबरदस्त नॉलेजेबल बात है जी, सदका करते रहिए जितना दोगे उतना आएगा, बस देते ही रहो, वो ज़ात दे रही है तो वही फिर तो क्या है। डॉक्टर जुनैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह कि आपने बहुत प्यारी बातें की और ख्वाब से रिलेटेड आज हमने एक टॉपिक आपका टॉपिक और मैं क्या टॉपिक वैसी हम महसूस नहीं इसको करें, तो आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ फरमाओ यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच। जनाब अली हमारी ट्रांसमिशन ना जारी सारी है और वक्त है बहुत मुख्तसर, अफ्तार का चारों के एक नात हो जाए।
Thank you.
हम जानेंगे ब्यूटी टिप्स, स्पेशली वो टिप्स जो रमजान मुबारक के हवाले से हमारे लिए कारामद होंगे, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड। और मैं चाहते एक और भी आपको टिप देना चाहूंगी, रमजान मुबारक में ख्याल रखें स्किन को डिहाइड्रेट ना होने दें, ज्यादा वाटर का इस्तेमाल करें, पानी पिए, और इसके बाद फर्दर जो है नहीं आफ्टर इफ्तार ऑब्वियसली पानी पिए, पानी पीने वाले बात पे इफ्तार के बाद कोशिश करें पानी ज्यादा पीजिए। और अब चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ और साथ साथ देखते हैं और सुनते हैं कि आज कौन कौन सी टिप्स हमसे शेयर की जा रही है। जी तो क्या हो रहा है जनाब, बताइए आज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सन्स स्पेशल, तो हम आपको टिप्स भी करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे। तो मैं आज रमज़ान में मैं आपको एक टिप बताऊंगा जो रमज़ान के हवाले से बहुत ज़्यादा ही खवातीन के लिए होगी, उनके डार्क सर्कल के लिए होगी और विंग पिगमेंटेशन होंगी, स्पॉट्स वगैरह, उनके लिए मैं आपको टिप्स बताऊँगा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ चल रहा है तो रोज़ों में एनी टाइम तो वजू रहता है, तो वो भी एक मॉइस्चराइज़र है ना, तो मैं आपको उसके हवाले से टिप बताऊंगा। रात में ऐसे जिसके जो रमज़ान में बेसिक प्रॉब्लम ये आता है, रोजे होते हैं और डिहाइड्रेटेड का प्रॉब्लम आ जाता है पानी की कमी से ना, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बताना चाह रहा हूँ। तो विटामिन ई का कैप्सूल आप लें और वैसलीन ले लें। अच्छा, विटामिन ई का कैप्सूल कट करके जितना विटामिन ई का कैप्सूल की मिकदार होगी उतना ही आप वैसलीन लें, तो इनको मिक्स करके अच्छी तरीके से मिक्स करके आप फेस पे अप्लाई कर दें। अच्छा, आपके फेस पे अप्लाई करके आप उसको सो जाएं, उसको पेनिट्रेट होने दें। अच्छा, उसका बेनिफिट ये है वो ऑल स्किन टाइप्स में, जिसकी भी पिगमेंटेशन होंगे, फेस पे झाइयाँ होंगे, ड्राइनेस होगी, वो सब उसको खत्म भी करेगा और डार्क सर्कल वगैरह खत्म भी करेगा। अच्छा, मुझे बताना कि ये रात, ऑब्वियसली रात में ही आप सोने की बात कर रहे हैं तो जी वैसे तो हम रमजान में तो नींद पूरी होती है। ठीक है, और प्रॉब्लम ये भी आई थी डार्क सर्कल वैसे ऑलरेडी तो होते ही हैं। डार्क सर्कल होते हैं तो वो डार्क सर्कल पे कवर करेगा और ड्राइनेस लगाना किस तरह है। अच्छा, उसको सब चीजें मिक्स करके दो चीजें कैप्सूल और विटामिन ई अच्छे तरीके से करके अप्लाई कर दें फेस में, फेस वॉश करके अप्लाई करके फिर वो सो जाते हैं। जितनी देर आप सोएंगे उतने फेस पे अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो जाएगा वो जब मिक्स करने के बाद, तो डेली ये करें तो इंशाल्लाह ड्राइनेस भी खत्म होगी और डार्क सर्कल भी। गर्मियों का सीजन है तो दाने नहीं हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो एक विटामिन ई का कैप्सूल जो ऑल स्किन टाइप में जाता है। अच्छा, एक और टिप भी मुझे आप प्लीज बताइए कि जैसे हम इतने ऑयली फूड खा रहे होते हैं, पकोड़े समोसे, और हम नहीं कंट्रोल करते उस चीज को, तो क्या ऐसी टिप है कि हम पिगमेंटेशन से बच सकते? अच्छा, ये जो मैंने आपको टिप बताई है बेसिकली पिगमेंटेशन भी खत्म करेगा। अच्छा। पिगमेंटेशन भी खत्म करेगा और स्पॉट्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ड्राइनेस वगैरह ये सब भी। लेकिन अगर कोई नई वेजिंग यूज करना चाहता है, उसको लगता है कि बहुत ऑयली हो जाएगी स्किन, तो अगर दाने हो जाते हैं पकोड़े या इस तरह की चीजें खाने से, ऑयली फूड खाने से, तो क्या उनके आप उसके आप एलोवेरा ले लें, एलोवेरा जेल ले लें, तो वो उसमें आप मिक्स करके अप्लाई कर दें एलोवेरा, लेकिन एलोवेरा हर स्किन पे नहीं जाता। अच्छा, ये वो ऑल स्किन टाइप में, तो आई थिंक इसको अगर डाइल्यूट कर दिया जाए तो मुनासिब रहेगा। जी बिल्कुल, तो हम यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे वो एलोवेरा उस स्किन पे ज्यादा जिसके ज्यादा स्किन ऑयली ना। अच्छा जी, क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। मसरूफ सना दिल आंखों में सरकारे दो आलम होते हैं, मसरूफ सना दिल आंखों में सरकारे दो आलम होते हैं। एक रस्म है गुस्ले काबा की, एक रस्म है गुस्ले काबा की, एक गुस्ल है दिल के काबे का, उस मैल को जमजम धोता है, इस मैल को आंसू धोते हैं। क्या पूछते हो इन अश्कों का, यूं ही तो नहीं हम रोते हैं। मसरूफ सना दिल आंखों में सरकारे दो आलम होते हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो सितम पर सितम
हबीबे खुदा या खुदा कहते कहते या खुदा कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते गुजरते थे कांटों भुले आँख सल्ले अला